What's up my friends, क्या हाल चाल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि है मनी ट्रांसफर से रिलेटेड। और इंस्टाग्राम एक थर्ड पार्टी मनी ट्रांसफरिंग सर्विसेज है जिसकी वजह से काफ़ी टाइम आपको सबसे सस्ते या फिर काफ़ी अच्छा रेट मिल जाता है इन रिलेटिव टू अगर आप बैंक ट्रांसफर करेंगे अपने या तो यूनिवर्सिटी फी पेमेंट करने के लिए या फिर ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए किसी भी पर्पज़ से करेंगे। एंड इंस्टाग्राम से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप अपनी पेमेंट दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से जो आपकी जो 7 लाख पर ईयर वाली लिमिट होती है वो क्रॉस नहीं होती है एंड आपका 5% टैक्स बन जाता है उसको अगर आप दो अलग अलग पैन अकाउंट से रिलेटेड बैंक अकाउंट से स्प्लिट कर देते हैं पेमेंट को। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव डेमो देने वाला हूं अपनी स्क्रीन शेयरिंग करके कि इंस्टाग्राम के अकाउंट के अंदर आप किस तरीके से रेसिपिएंट ऐड करके अपने ब्लॉक्ड अकाउंट के अंदर पैसे डाल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल पर्पज के लिए एक्सपेट्रियो का ब्लॉक अकाउंट यूज करेंगे एंड मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने मनी ट्रांसफरिंग करी थी। तो विदाउट एनी डिले चलते हैं स्क्रीन पे एंड देखते हैं सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जिससे कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि ये पेमेंट प्रोसेस कैसे करना होता है। बिकॉज जब हम लाखों की पेमेंट प्रोसेस या इवन हजारों की पेमेंट प्रोसेस की बात कर रहे होते हैं और जब इंटरनेशनली हमें ट्रांसफर करना होता है तो दिमाग में एक थोड़ी सी टेंशन और एक एंग्जाइटी आ जाती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स ये सारी चीजें पहली बार कर रहे होते हैं। एंड जब हम लोकली पैसे ट्रांसफर करते हैं तब तो हमें पता है कि हमारी कंट्री की लिमिट्स के अंदर सारे प्रोसेस चल रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ होगी तो हम कहीं ना कहीं कंप्लेंट कर सकते हैं। बट जब इंटरनेशनल ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो एक एक्स्ट्रा टेंशन ऐड हो जाती है। बट ऐसी सिचुएशन में जो इंस्टाग्राम जैसी कंपनी है काफी रिलायबल है, काफी सारे स्टूडेंट्स इसको काफी टाइम से यूज कर रहे हैं एंड इस पॉइंट तक मैं इसको पर्सनली यूज कर चुका हूं तो मुझे पता है कि ये मेरा एक्सपीरियंस भी इसके साथ में काफी सही रहा था। तो दैट इज व्हाई आई कैन रिकमेंड इट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनका जो कन्वर्जन रेट होता है वो बेस्ट ही मिलता है। तो उसके लिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप सारी कंपनीज को आपस में कंपेयर करें, इंस्टाग्राम को, वेस्टर्न यूनियन को, वाइज को, और जिस पे आपको बेस्ट रेट मिल रहा है आप उसी को यूज करें। हो सकता है आपको कुछ यूट्यूबर या कुछ वेबसाइट बोले कि आप इसी सर्विस को यूज करें, पर मैं अपनी तरफ से ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि आपको जो बेस्ट रेट मिल रहा हो आप वो पिक कर सकते हैं। बट हां, अगर आपको ऐसा है कि इंस्टाग्राम पे आपको 200-400 रुपए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ रहा है बस, तो उसके बाद ऐसे सिचुएशन में आप फिर भी इंस्टाग्राम पिक कर सकते हैं बिकॉज इनकी कस्टमर केयर काफी अच्छी है, इनकी सपोर्ट काफी अच्छी है एंड जब आप कोई भी किसी तरीके की पेमेंट करते हैं ना तो उसमें एडिशनल वेरिफिकेशन करते हैं, मैनुअल वेरिफिकेशन, जो कि बहुत अच्छा एक सिक्योरिटी ऐड कर देता है। फॉर एग्जांपल जब आप अपनी एजुकेशन के लिए पेमेंट करते हैं तो ये आपसे आपके एजुकेशन प्रूफ भी मांगते हैं। तो कुछ ऐसी सर्विसेज होते हैं जो आपसे ये सारे डिटेल्स नहीं मांगेंगी बट आपकी पेमेंट भेज देंगे, बट बाय चांस अगर कुछ लीगल इश्यूज आ गए तो वो आपकी ट्रांजैक्शन लास्ट स्टेज पे कैंसिल हो सकती है। बट ये सारी चीजें ऑथेंटिकेट करके ये प्रोसेस करते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा वैलिडेशन करते हैं ये अपनी तरफ से, जो कि अच्छा है मेरे हिसाब से। स्क्रीन शेयरिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इंस्टाग्राम का लिंक, एक्सपेट्रियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा है, इनफैक्ट और भी सर्विसेज का लिंक। आप उन लिंक्स को क्लिक करके अपने अकाउंट्स इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। अकाउंट वगैरह रजिस्टर करना बिल्कुल फ्री होता है एंड इन लिंक्स को यूज करके मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस या पॉइंट्स या किस तरीके का कुछ बेनिफिट भी मिलने का चांसेस होते हैं। सो दिस इज द होम पेज, यहाँ पर हम एक नया रेसिपिएंट ऐड कर लेते हैं एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट द कंट्री लग्जमबर्ग बिकॉज जो पेट्रियो का पेमेंट होती है जो हमारा मैंगो पे है दैट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन लग्जमबर्ग। देन यहाँ पर वी आर सेंडिंग मनी टू वॉट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, हमें ये भी सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अगर भेज रहे हैं तो यू हैव टू सेलेक्ट एजुकेशनल। अगर आप किसी प्राइवेट वेंडर को भेज रहे हैं तो उसमें आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे सिचुएशन में यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज जो मैं ये मनी ट्रांसफर कर रहा हूँ ब्लॉक्ड अकाउंट को कर रहा हूँ। तो एक्सपेट्रियो की तरफ से हमें सारी डिटेल PDF में मिल जाती हैं जो हमारी अपने बैंक ब्लॉक्ड अकाउंट की डिटेल्स हैं। तो हमें ये हमारे जो बैंक का नेम है दैट इज मैंगो पे बिकॉज मैंगो पे इज द पार्टनर ऑफ एक्सपेट्रियोज ब्लॉक अकाउंट। बाकी की डिटेल्स हमें इसमें से जो पिक करनी है वो है हमारा जो एड्रेस वगैरह की डिटेल है एंड देन हमारा ब्लॉक्ड अकाउंट नंबर जो है, जो हमारा IBAN नंबर होता है। बेसिकली हमारा IBAN नंबर इज लाइक जो हमारा अकाउंट नंबर होता है जिसके अंदर हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। ये सारी डिटेल हमारी इस PDF के अंदर आपको मिल जाएंगी जो कि एक्सपेट्रियो की तरफ से हमें ईमेल में आ जाती है एंड एक्सपेट्रियो के अकाउंट के अंदर से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डालना है वो मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर इस PDF के अंदर नहीं मिला हुआ कहीं पर भी लिखा हुआ। तो इस मोबाइल के लिए हम क्या करते हैं, वी कैन डू वन थिंग कि हम मैंगो पे की वेबसाइट पर जाके वहाँ से उनका मोबाइल नंबर पिक कर सकते हैं इसमें डालने के लिए। तो ये है मैंगो पे की वेबसाइट जो कि एक्सपेट्रियो का पेमेंट पार्टनर है। तो यहाँ पर ये फ़ोन नंबर से हम ये वाला नंबर यूज़ कर सकते हैं कॉपी करके। तो सबसे पहले हम इनका कोड सेट कर लेते हैं, जो टेलीफोन कोड है दैट इज़ +44 एंड यहाँ पर हम अपना जो है मोबाइल नंबर वो टाइप कर देते हैं। देन हमें यहाँ पर कंपनी की डिटेल्स में ईमेल आईडी डालनी है कंपनी की, जो कि हमें अगेन PDF में नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज़ हमारे पास या तो हम कोई मैंगो पे की ईमेल आईडी ढूंढ के इनकी वेबसाइट पे ढूंढ के देख सकते हैं, जो कि वेबसाइट पे नहीं मिली तो वी हैव मतलब ये गूगल करिए मैंने ये यूज़ कर सकते हैं आप, या तो इस पर sales@mangopay.com ये डाल सकते हैं
नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो service@expatrio.com जो हमारे पास ईमेल आईडी एक्सपेट्रियो की, हम वो भी डाल सकते हैं, बिकॉज अगर कोई ईमेल जानी होगी एक्सपेट्रियो के पास पहुंच जाएगी एंड आई थिंक वहां से एक्सपेट्रियो हमारे साथ कनेक्ट करके हमें अपडेट दे सकता है। तो आपकी मर्ज़ी है, विच एवर यू वॉन्ट टू यूज़ यू कैन यूज़ इट। तो रिलेशनशिप में वी कैन टाइप लाइक ब्लॉग्ड अकाउंट कंपनी एक्सपेट्रियो, देन हेयर वी हैव टू गिव आर बैंक अकाउंट डिटेल। मतलब जो ये हमारा बैंक अकाउंट होता है, बेसिकली ब्लॉक्ड अकाउंट होता है, ये हमारा अपना बैंक अकाउंट होता है, तो हमें यहाँ पर अपना ये आई बैन नंबर डालना है। सो लेट्स सी कि कॉपी पेस्ट हो जाता है कि यहाँ कॉपी पेस्ट हो गया एंड इसने स्विफ्ट कोड वगैरह जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है अपने आप यहाँ पे फेच कर ली कि बैंक का नेम, स्विफ्ट कोड। तो इंस्टाग्राम वालों को बेसिकली आई बैन नंबर के बेसिस पे सारी डिटेल्स अपने आप मिल गई हैं हमारे जो बैंक अकाउंट की थी। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये एड्रेस मिला हुआ है हमें, हम इस सेम एड्रेस को ही रेसिपिएंट के एड्रेस में डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने पर्सनली इसको ऐड करके पहले पेमेंट करी थी, तो इस तरीके से ये हो जाता है। तो हेयर वी कैन ऐड द इंफॉर्मेशन दिस टू एवेन्यू एमएलई, सो दिस इज़ द एड्रेस ऑफ दिस मैंगो पे। बेसिकली इनका जो हेड ऑफिस रजिस्टर्ड है, तो मैंने ये गूगल के ऊपर खोल के इनका ऑफिस भी देखा था कि काफ़ी लोगों को लगता है कि ये कहाँ पर रजिस्टर्ड है, लग्जमबर्ग की कंपनी है एंड किधर है ये, हाउ डज इट वर्क। तो बेसिकली मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि ये इन्होंने लग्जमबर्ग में अपना हेड ऑफिस कुछ टैक्स पर्पस या कुछ लीगल पर्पस के लिए रखा होगा एंड इनका एड्रेस गूगल मैप पर सर्च करते हैं तो ये बिल्डिंग आती है इस लग्जमबर्ग सिटी के अंदर। तो देख के लगता है कि ये कोई वैसा वर्किंग ऑफिस नहीं है, बट टैक्स पर्पस या लीगल पर्पस के लिए इसको रजिस्टर करा गया है, विच इज़ फाइन, जो कि बहुत सारी फाइनेंशियल टेक कंपनीज़ यूज़ करती हैं किसी तरीके से अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो इन्होंने यहाँ पर लग्जमबर्ग में सेट कर रखा है, जो कि जर्मनी की नेबरिंग कंट्री है। तो हमें जो पिन कोड डालना है इनके एड्रेस में, दिस इज़ द पिन कोड, इनके एड्रेस जो है वेबसाइट के बॉटम में भी है, वी कैन यूज़ दैट। एंड यहाँ पर जो हमें डिटेल्स मिली हुई हैं पीडीएफ में वो भी सेम है, तो डबल वेरीफाई कर लेते हैं एंड लाइक लेट्स एंटर द पोस्टल कोड मेंशन्ड बाय देम, दैट इज़ L1125। ओके, एंड अदर देन दैट यहाँ पे हमें सिटी डालनी है, तो लग्जमबर्ग कंट्री जो है उसकी सिटी भी लग्जमबर्ग ही है, बेसिकली सिटी कंट्री है, ये सिटी भी वही है कंट्री भी वही है, तो हम यहाँ पर लग्जमबर्ग टाइप कर सकते हैं। एंड एड्रेस टू भी रिक्वायर्ड है, तो उसमें हम कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं बिकॉज हमारा एड्रेस तो पूरा हो चुका है। तो वी कैन लेट्स से कि मैंगो पे कंपनी का नाम लिख देते हैं हम यहाँ पर एड्रेस टू लाइन में, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पास हो जाएगी मे बी। देन लेट्स चेक एवरीथिंग कि हमारी डिटेल्स जो हमने डाली हैं, रेसिपिएंट डिटेल एंड हमारा आई बैन नंबर ठीक है, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। तो सेव न्यू है ये फॉर सम रीज़न, मे बी कुछ मिसिंग हो, बट कोई भी एरर मैसेज तो नहीं दिखा रहा। व्हाट्स द इशू, लेट्स सी। ओके, तो अब इन्होंने मैसेज दिखाया थोड़ी देर बाद कि समथिंग वेंट रॉन्ग, और इसमें दिखा रहे हैं कि बैंक अकाउंट का जो नेम है वो गायब हो गया है फॉर सम रीज़न। ये पहले आ तो रहा था अभी, बट अभी ये हाइड हो, मतलब रिमूव हो गया है। तो हम क्या करते हैं, मैं बैंक आई बैन नंबर को एक बार अपडेट करते हैं, ठीक है। तो उससे ये फिक्स हो गया, आई बैन नंबर को एक बार एक डिजिट हटा के दोबारा अपडेट करी है, उसकी वजह से इशू फिक्स हो गया ना। लेट्स कंटिन्यू। तो अब अपनी जो ये सेंड करने वाली स्क्रीन है, यहाँ पर ये मैंगो पे दिख रहा है अब हमें, जो हमने जस्ट अभी रेसिपिएंट ऐड करा है। पहले बस ये रॉटलिंगन यूनिवर्सिटी था, अब इसमें मैंगो पे भी ऐड हो गया है। तो नाउ वी कैन, हमारा जो अमाउंट है नीचे यहाँ पर ऑलरेडी करेंसी यूरो में सिलेक्टेड है, तो ये आप हमेशा चेक कर लें कि यूरो में सिलेक्टेड हो, गलत करेंसी ना आप वो कर दें ट्रांसफ़र। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइक स्मॉल मिस्टेक पीपल कैन डू वाइल ट्रांसफरिंग मनी। तो मैं अपना जो बेसिकली ब्लॉक्ड अकाउंट का पार्शियल अमाउंट है वो यहाँ इस इंस्टाग्राम अकाउंट से ट्रांसफ़र करूँगा, और बाकी पेमेंट जो करूँगा मैं वो दूसरे अकाउंट से करूँगा, जिससे कि मेरा टैक्स ना लगे 5% वाला। तो मैं 2150 बस यहाँ से कर रहा हूँ, एंड इन्होंने मेरे को सारी डिटेल्स दे दी है, राइट साइड पर जो ब्रेकअप है टैक्स वगैरह, एंड लेफ्ट साइड पर ये मेरे से मांग रहे हैं मेरे जो इंडियन बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं वो। तो राइट साइड पर हम देख सकते हैं कि 2150 यूरो हम पे कर रहे हैं, एंड उसका जो हमें INR पे करना है दैट इज़ 175 लाख समथिंग, जो हमें टोटल हमें पड़ेगा दैट इज़ 176 पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड पे अब हमें अपनी सारी डिटेल्स डालनी है बैंक से रिलेटेड, जैसे कि IFSC कोड हो गया हमारा, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट कि हमारा जो ये रीज़न ऑफ मनी ट्रांसफ़र है वो क्या है, कि आप किसी को प्राइवेट भेज रहे हैं या फिर बिजनेस ट्रैवल के लिए भेज रहे हैं या ओवरसी एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं।
तो हमें ओवरसी एजुकेशन सेलेक्ट करनी है। अगर आप एक्सपैट्रियो में पैसे भेज रहे हैं, किसी भी ब्लॉक्ड अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका जो भी पर्पस है उस हिसाब से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज आप इंस्टाग्राम को मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, बस फी या ब्लॉक्ड अकाउंट के अलावा भी। देन यहाँ पर जो हमें एडिशनल नोट डालना है, यहाँ पे हमें जो रेफरेंस टेक्स्ट मिला हुआ है हमारे पीडीएफ के अंदर, पेमेंट पीडीएफ के अंदर, हम ये वाला कॉपी पेस्ट करेंगे। इससे क्या है, एक्सपैट्रियो को हमारी पेमेंट ट्रैक करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप मिस ना करें, इस फील्ड को वेस्ट ना करके खाली ना छोड़ें। एंड हमें राइट साइड में जो दिख रहा है, हमें रिडीम इंस्टा पॉइंट एंड अप्लाई कूपन के भी ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हमने इसको सेंड कर दिया है वेरीफाई करने के लिए नेक्स्ट स्टेप पे। तो आपके मोबाइल और ईमेल पे दोनों पे ओटीपी आएगा, तो वी हैव टू सेंड एंड देन आफ्टर सेंडिंग वी विल रिसीव द ओटीपी। तो यहाँ पे ओटीपी डाल के आगे कंफर्म करके प्रोसीड करते हैं, वेरीफाई करते हैं अपनी तरफ से कि हमने ये पेमेंट क्रिएट करी है। अच्छा, इंस्टाग्राम, तो बेसिकली इंस्टाग्राम की तरफ से कोई भी पेमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं डिडक्ट होगी। अब इन्होंने हमें अपना बैंक अकाउंट दे दिया है और हमें इसमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। अब तो हमारी पेमेंट जो है इस समय वो अवेटिंग पेमेंट स्टेटस पे आ गया है, जैसे हमें राइट टॉप पे दिख रहा है। और इन्होंने अपना जो ये बैंक अकाउंट की डिटेल दे दी है हमें ये सारी हम बेसिकली इसको बेनिफिशियरी ऐड करना है अपने इंडियन बैंक अकाउंट में। और जो हमारा इंडियन बैंक अकाउंट है वो हमारे इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उससे नेम मैच होना चाहिए। जैसे कि अगर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट रजत शर्मा है, तो मेरा जो इसमें बैंक अकाउंट जो मैं एसोसिएट करूँगा, दैट शुड ऑल्सो भी रजत शर्मा। यहाँ पर अब हम डैशबोर्ड पे आगे देख सकते हैं कि अवेटिंग पेमेंट का स्टेटस दिख रहा है। एंड इसके अलावा आप रेसिपिएंट यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, उनकी डिटेल्स दिख रही है, और भी ऐड कर सकते हैं अदर देन दैट। इसके अलावा आप लिंक यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है, उसकी वजह से आपको कुछ इंस्टा पॉइंट मिल जाएंगे। एंड अगर आप इंस्टाग्राम की होम स्क्रीन पर जाएंगे तो ये कूपन दिखा रहे हैं, जैसे कि न्यू 300 कूपन है। तो इस तरीके से आपको और भी कूपन मिल जाते हैं, जैसे न्यू 300 है, इसमें 300 का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे आपको कुछ 700-900 के कूपन कोड भी मिल जाते हैं। तो आप जैसे कि डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को यूज़ करके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपको अकाउंट क्रिएट करने से कुछ इंस्टा पॉइंट्स मिलेंगे। तो उस इंस्टा पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रांजैक्शन के अंदर। उस इंस्टा पॉइंट की कुछ वैलिडिटी होती है, उसके बाद में वो एक्सपायर हो जाते हैं, लेट्स से कि 4-5 महीने की कुछ होती है। बट लेट्स से कि आपको एक सिंगल ट्रांजैक्शन करनी है, तो आप उसको तो वो यूज़ कर ही सकते हैं। एंड मिनिमम 25,000 रुपीज़ की जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तभी आप वो इंस्टा पॉइंट यूज़ कर पाते हैं। एंड एक टाइम पे आप मैक्सिमम 400 इंस्टा पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको एक टाइम पे मैक्सिमम 800 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है उसके अंदर। तो या तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टा पॉइंट यूज कर सकते हैं। जब आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ फ्री इंस्टा पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप अगर इंस्टा पॉइंट यूज कर लेंगे तो आपके लिए वो इनफ होगा, आपको कोई कूपन कोड यूज करने की एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको अगले 4-6 महीने के अंदर दूसरी पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं करनी है सेम अकाउंट से, अगर आप इंस्टाग्राम का किसी दूसरे अकाउंट से करेंगे तो उसके लिए आपको सेपरेट इंस्टा पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आई होप दिस क्विक वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनने के बाद आपको किस तरीके से रेसिपिएंट ऐड करना होता है, किस तरीके से आपको उसमें यूरो सेलेक्ट करके अपनी पेमेंट करनी होती है, किस तरीके से आपको उसमें डिटेल्स डालनी होती है, एंड देन आपको अपने बैंक की डिटेल्स डालनी होती है, उसके बाद आपको इंस्टाग्राम की बैंक की डिटेल्स मिल जाती हैं। अब जो इंस्टाग्राम की बैंक डिटेल्स आपको मिली थी वो आपके अकाउंट से स्पेसिफिक होती हैं, हो सकता है वो किसी और को कुछ और डिटेल्स मिले, बट जो आपको डिस्प्ले में आपके अकाउंट में बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंस्टाग्राम वाली, आपको वो अपने बैंक अकाउंट में एज अ पेई ऐड करना है। फिर आप उसको एज अ पेई एज अ बेनिफिशियरी ऐड करके उस बैंक अकाउंट में जो भी आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट आ रहा था 1,76,000 कुछ करके, आपको वो सारा का सारा उनके उस इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बेसिकली इंडिया में रजिस्टर्ड जो बैंक अकाउंट होगा, आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट से इन्होंने जो डिस्प्ले कर रखा था बैंक अकाउंट डिटेल, उसमें वो पैसे ट्रांसफर कर देंगे। फिर जब आप वो पैसे ट्रांसफर कर देंगे, उसके कुछ प्रोसेसिंग आवर्स के बाद में, उसके कुछ 1 या 2 दिन के बाद में, ये अपने एंड से जब वो फंड रिसीव कर लेंगे, आपको स्टेटस अपडेट दे देंगे ईमेल के थ्रू एंड आपकी ऐप के अंदर कि आपकी पेमेंट इंस्टाग्राम ने रिसीव कर लिया है। फिर इंस्टाग्राम के पास में वो पैसे आ जाते हैं, उसके बाद वो इंस्टाग्राम फॉरवर्ड कर देता है उस अमाउंट को आपके जो टारगेट आपने रेसिपिएंट ऐड करा होता है, बीट एक्सपैट्रियो या यूनिवर्सिटी, या फिर अगर आप कोई पर्सनल 1-to-1 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी यूरोपियन अकाउंट में या किसी यूएस के अकाउंट में। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो इंस्टाग्राम से रिलेटेड, एक्सपैट्रियो से रिलेटेड, मनी ट्रांसफर से रिलेटेड, देन फील फ्री टू आस्क इन दी कॉमेंट सेक्शन, या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू हो तो मेरे को बताना, मैं उससे रिलेटेड एक और आगे फ्यूचर में वीडियो बना दूंगा आपको हेल्प करने के लिए। सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, फील फ्री टू आस्क, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई टू यू। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। बिस पेटर।